रायबरेली में मंडी सचिव पर भड़के कमिश्नर मुकेश मेश्राम। शहर स्थित गल्ला मंडी में अव्यवस्था व गंदगी देख भड़के कमिश्नर। मंडी सचिव नीरज को कमिश्नर ने लगाई जमकर फटकार। शाम तक साफ सफाई हो जाने की दी है चेतावनी। अचानक कमिश्नर मुकेश मेश्राम व IGSK भगत पहुंचे थे गल्ला मंडी। पूरे देश में कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया था। वही लॉकडाउन को लेकर कमिश्नर मुकेश मेश्राम व IGSK भगत 3 दिन से रुककर सभी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं आज कमिश्नर व IG ने रतापुर स्थित गल्ला मंडी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान काफी खामियां देखने को मिली। कमिश्नर मुकेश मेश्राम मंडी सचिव नीरज कुमार पर आग बबूला होकर भड़क उठे। मंडी में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ था व काफी अव्यवस्थाएं भी दिखी, जिसके बाद कमिश्नर का पारा हाई हो गया और मंडी सचिव नीरज को जमकर फटकार लगाई और शाम तक साफ सफाई करवाने के निर्देश भी दिए। देखिए वीडियो में किस तरह से कमिश्नर ने मंडी सचिव को लगाई फटकार। ये वाला आर्गुमेंट कर रहा है इतने देर से, क्या होता है वो इसमें सो के रात में ना पता चलेगा। शर्म नहीं आती, कल भी मैंने बताया था पूरे डिस्ट्रिक्ट की मंडी घूम करके देखना है, चेक करना है, गंदगी में पड़े रहो तुम, शर्म नहीं आती यार तुमको। शाम को फिर कितने बज सकता है, शाम को आकर चेक करना, ठीक है, चेक करेगा पक्का के रहो। चाहे 100 लोग लगाओ 200 लोग लगाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरा काम नहीं है, ठीक है। जब पता था कि मंडी को चेक कर रहा है, एक तो स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, सप्लाई पूरा होना चाहिए, सब में कमी है, केवल बैठे बैठे बात करने से नहीं होता है। 14 घंटे 16 घंटे काम करो, बाकी सब लोग भी कर रहे हैं। सर लॉकडाउन एरिया पर जाएंगे, ठेकेदारों ने राशन नहीं उठाया और जो मंडी थी वो बहुत गंदी, तो उस पर कोई कार्रवाई करेंगे क्या? जो मंडी है उसकी सफाई के लिए हमने कहा है मंडी सचिव तत्काल उस पर कार्रवाई करें, और अगर समय पर कार्रवाई नहीं होती है कल हम फिर से चेक कराएंगे, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लिखा जाएगा। दूसरी तरफ जो गोडाउन है वहाँ से जो राशन के कोटेदार राशन नहीं उठाएंगे वितरण करने के लिए, फिर उनकी ज़रूरत नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनका फिर राशन का कोटा समाप्त किया। कितने सर ऐसे कोटेदार हैं जिन्होंने राशन नहीं उठाया? आज तो शहर के 6 कोटेदारों की सूचना उन्होंने दी है, लेकिन उनकी जांच कराई जा रही है, क्योंकि कितना उठाया नहीं उठाया, इसलिए हमने शाम को कहा है सारे रजिस्टर PRM और डीजल को लेकर के बैठे पूरे जनपद की पूरी सूचना इकट्ठी करें, और फिर उसके बाद में जिन्होंने भी गड़बड़ी की उनके खिलाफ कार्रवाई करें।